हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज फैशन यूर चेतना. और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप हैवी डेंस गर्ल जो है वो कैसे गेट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस टाइप के कर्ल जो है आप भी अपने बालों में बना सकते हैं. एकदम छोटे छोटे स्मॉल मैगी टाइप के कर्ल हैं. तो इसके लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आपको चाहिए एक एलोवेरा जेल, या फिर आप बी ब्लंट का एक हैवी डेंस क्रीम भी आती है वो भी आप यूज कर सकते हो. बट मेरे पास में एलोवेरा जेल ही अवेलेबल था. मैंने बी ब्लेंड का हैवी डेंस कर्ल क्रीम नहीं परचेस किया था, तो इसलिए मैंने यही अपनी बालों में अप्लाई किया है. एक आपको चाहिए कॉम्ब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिससे आप अपने बालों को कर्ल करोगे वो है एक कर्लर. यहाँ पे मैंने हेवल्स चॉपस्टिक कर्लर यूज किया है. सो गाइस, सबसे पहले मैं इस कर्लर के बारे में आपको बता दूं कि इसका प्राइस जो है अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग है. जैसे कि नायका से आप इसे बाय करोगे तो ये आपको पड़ेगा 2300 रुपीस का, और मैंने जो इसे बाय किया है वो अमेजोन से बाय किया है. अमेजोन पर इसका प्राइस जो है 1510 समथिंग है, लेकिन मैंने इसको जब डील चलती रहती है अमेजोन की तब बाय किया था, तो ये मुझे अप्रॉक्स 1300 का पड़ा है. और भी जब नेक्स्ट डे मैंने इसको बाय कर लिया था, उसके नेक्स्ट डे भी अमेजोन पर सेल चल रही थी, तब ये 1100 समथिंग का था. तो बहुत अच्छी खासी डील में आप इसे बाय कर सकते हैं. और फ्लिपकार्ट पर भी इसका प्राइस जो है अप्रॉक्स 1500 समथिंग है. तो ये बहुत अच्छी कंपनी का है और बहुत ही अच्छा लाइट वेट कर्लर है. अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर जो है आपको इस टाइप का कर्लर आप देख सकते हैं कितना स्लिम है, बहुत हैंडी है पकड़ने में, बहुत लाइट वेट है, आपको कोई हैवी वेट नहीं लगेगा. यहाँ पे एक स्विच ऑन ऑफ बटन आता है जिससे आप क्या कर सकते हो, जब आपको करना हो तब कर्लिंग करनी हो तब आप ऑन कर सकते हो, देन आप इसे ऑफ कर सकते हो. और ये बहुत ही स्लिम एक चॉपस्टिक आती है जिसकी हेल्प से आप जो है अपने बालों को हेयर कर्ल कर सकते हो. तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आप अपने हेयर को कर्ल कर सकते हो. हेयर कर्ल करने के लिए आप चाहे तो बीच में पार्टीशन कर सकते हैं, और अगर आपको साइड पार्टीशन पसंद है तो आप साइड पार्टीशन भी कर सकते हो. मुझे बीच में पार्टीशन पसंद है तो मैंने वैसे किया. देन उसके बाद में आपको अपने हेयर के सारे टेंगल को रिमूव कर लेना है, और टेंगल को रिमूव करने के बाद आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करना है. देन उसके बाद में आपको जो है अपनी कर्लिंग स्टार्ट करनी है. सो गाइस, कंटिन्यू बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, और देखिएगा मैं यहाँ पे हेयर कर्ल जो है वो कैसे करती हूँ. अभी मैंने अपने हेयर के ऑलमोस्ट 60% हेयर जो है वो कर्ल कर लिए हैं. आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पार्टीशन किया. अब जो रिमेनिंग हेयर है उनमें मैं जो है एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी. मैं किस तरीके से एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं. आप कोई भी कलर क्रीम जो आती है वो आप परचेस करके अप्लाई कर सकते हैं. इस तरीके से आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करना है और उसको थोड़ी देर ड्राई होने देना है. उसके बाद में आपको कर्लर को ऑन करना है और उसे 30 सेकंड तक हीट के थ्रू उसको गर्म होने देना है. उसके बाद में आपको स्मॉल स्मॉल पार्टीशन लेके आपको अपनी हेयर को कर्ल करना है. आपको हेयर कर्लर को बहुत ठीक से टेबल पे या जहाँ पर भी आप हेयर कर्लिंग कर रहे हो वहाँ पे ठीक से रखना है, अदरवाइज ये बहुत लाइट वेट है, गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी स्मॉल पार्टीशन ले रही हूँ तो बहुत ही पतले और अच्छे कर्ल होंगे. अगर आप ज़्यादा पार्ट लेते हो हेयर का तो थोड़े बड़े वाले कर्ल होते हैं. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आप कितने हेयर का पार्टीशन लेके आप हेयर कर्ल करना चाहते हो. तो आप देख सकते हैं कितने पतले वाले मैगी जैसे कर्ल हुए हैं मेरे हेयर.
अब मैं बड़े पार्टीशन को लूँगी हेयर के और उसको फिर से कर्ल करूँगी। इस बार जो मेरे हेयर कर्ल होंगे वो पिछले वाले से थोड़े बड़े होंगे, तो आप जैसे चाहो वैसे हेयर कर्ल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको जहाँ पे मैंने पार्टीशन कर रखा है वहाँ पर नहीं करके आपको नीचे नीचे कर्ल करना होता है, तो अभी आप कर्ल कर सकते हो। जैसे जैसे आप कर्लिंग कंप्लीट करते जाओ वो स्मॉल स्मॉल पार्टीशन को जो है आप टिकटॉक पिन से सिक्योर करते जाओ या क्लचर की हेल्प से, तो आपको आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप इजीली हेयर कर्ल कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्मॉल स्मॉल पार्टीशन लेते हुए अपने हेयर को कर्ल करना है। मेरे हेयर जो है वो थोड़े शॉर्ट हैं, तो इसलिए मुझे पीछे की साइड हेयर कर्ल करने में प्रॉब्लम आई थी, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। और आपकी लॉन्ग हेयर हो तो आप इजीली हेयर कर्ल कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं स्मॉल स्मॉल पार्टीशन को हेयर कर्ल करने के साथ में टिकटॉक पिन से सिक्योर करके उनको स्टिक करती जा रही हूँ ताकि मुझे आगे डिस्टर्ब ना करे। अब मैं रिमेनिंग जो पीछे हेयर रह गए हैं उनको एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद में फिर से उनको जो है हेयर कर्ल करूँगी। इस तरीके से आपको हेयर कर्लिंग करनी है। ये कर्लर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है और बहुत लाइट वेट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई हेयर कर्लर देख रहे हो तो मेक श्योर आप यही ले लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कर्लर है और कंपनी भी बहुत अच्छी है और आपके बाल भी जो है बहुत अच्छे से हेयर कर्ल होते हैं। हेयर कर्लिंग करने के बाद में अगर आप कोई हेयर कर्लर स्प्रे अप्लाई करते हो या हेयर स्प्रे अप्लाई करते हो तो आपकी कर्लर कर्ल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने फाइनल हेयर कर्ल कर लिए हैं, कितना अच्छा लुक आया है मेरा। तो इस तरीके से आप भी हेयर कर्ल जो है वो कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा हेयर कर्लिंग का वीडियो। आपने देखा कि मैंने एक हेयर कर्ल से कैसे डिफरेंट टाइप की 4 हेयर स्टाइल भी बनाई हैं। सो गाइस, आप हेयर कर्ल करने के बाद में बहुत सारी हेयर स्टाइल भी आप जो है अपने हेयर पर ट्राई कर सकते हो, तो हेयर कर्लिंग जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब आप ओकेजन हो या पार्टी हो तो आप हेयर कलर ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों के लिए ये मेरा वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।